राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और उनकी सक्रियता देख मोदी सरकार की होश उड़ी हुई है। एक बात बखूबी पता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार को बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से जानते हैं। एक लंबा समय उन्होंने बिहार के राजनीति में दिया है और अपने अनुभवों से 2024 के चुनाव में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात की भनक बीजेपी यानी कि एनडीए को है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अब बिहार के राजनीति में एक एक चीज़ पर अपनी पैनी नज़र रख रहे हैं और पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। देखिए लंबे अरसे के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में इतने एक्टिव दिखे हैं। चारा घोटाले मामले में थे, फिर उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी की समस्या को लेकर लगातार बीमार चल रहे थे और सफल किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अब बिहार के राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चमक रहे हैं, पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। चेहरे की चमक बता रही है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब बिहार के राजनीति में एक एक चीज़ पर पैनी नज़र लालू प्रसाद यादव रख रहे हैं। और अनुभव की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के पास राजनीति का इतना ज़्यादा अनुभव है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 2024 में चुनाव है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस चीज़ का अब बखूबी डर सता रहा है कि क्या उनकी कुर्सी 2024 में कहीं हिल ना जाए। देखिए ऐसे समय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हुए और सभी और उसके बाद बड़ी हो गए। आपको बता दें जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और बिहार की राजनीति, बिहार की सीट यह तय करती है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अब सक्रिय हो गए हैं, खास करके नीतीश कुमार, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव अब मिलकर जिस तरीके से अब राजनीति कर रहे हैं और विपक्षी जो एकता बैठक हुई और उसके बाद बेंगलुरु में जब दोबारा बैठक हुई तो उसमें अपने पार्टी का नाम इंडिया रखा गया। देखिए विपक्षी एकता जो बैठक है उनकी पार्टी का नाम इंडिया रखने के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया एनडीए को टक्कर देगी। अब इंडिया नाम को भी लेकर खूब सियासी बयानबाजी हो रहा है कि आखिरकार इंडिया नाम क्यों रखा है इन लोगों ने। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, कहीं ना कहीं अब एनडीए की होश उड़ती दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर दिखा जा रहा है कहीं भी बयानबाजी में किस तरह लालू प्रसाद यादव को लेकर केवल बयानबाजी किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में और उनकी एक लंबे अनुभव के बारे में, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।